मैं बना रही हूँ बहुत ही मजेदार रेसिपी जिसका नाम है कीमा भरे करेले। सबसे पहले हमें आधा किलो करेले लेंगे, इसको छील कर अंदर से बीज निकाल के नमक लगा के तकरीबन आधा घंटे के लिए रख देंगे ताकि इसका कड़वा पानी निकल जाए और खाने में कड़वे ना लगे और खाने में अच्छे लगे। साथ ही दही लेंगे आधी प्याली, आप एक पाव ले लीजिए, हरा धनिया आधी प्याली, हरी मिर्चें 4 अदद, ग्रीन प्याज लिए मैंने, आप वैसी प्याज भी ले लो 4 से 5 अदद, टमाटर 2 अदद, नींबू 1 अदद, बीफ का कीमा आधा किलो, आप चिकन का भी ले सकती लेकिन बीफ का ज़्यादा अच्छा रहेगा, टेस्ट अच्छा होता है। गर्म मसाले हैं तेज़पात के चंद पत्ते, जीरा हमें लेना 1 टेबल स्पून, दालचीनी के चंद दाने, हल्दी 1/2 टीस्पून, नमक हसबे जायका और मिर्चें हैं पिसी हुई 1 टेबल स्पून, पिसा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून। चलते हैं कुकिंग विद फातिमा में। अपनी प्यारी सी कढ़ाई में 1 प्याली तेल डालें, उसके अंदर फिर मैं प्याज डालूंगी अपनी ग्रीन वाली, आप चाहें तो जो रेगुलर हम यूज़ करते हैं अपने खानों में वो वाली प्याज ले सकती हैं लेकिन मैंने ये वाली यूँ ली है क्योंकि सर्दी के मौसम में आती है और इसके फ़ायदे बहुत हैं। इसका कच्चापन दूर करेंगे, और फिर साथ ही मैं गरम मसाला शामिल करूंगी इसके अंदर, जैसे ज़ीरा है, तेज़पात है, कलौंजी है, राई दाना, ये शामिल करके थोड़ा सा इसको भूनेंगे रेड होने के लिए। जब हमारी प्याज रेड हो जाएगी इसके बाद मैं लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूंगी 2 टेबल स्पून, इसको भी भूनेंगे। इसके बाद फिर बारी आती जनाब कीमे की, कीमा शामिल करेंगे इसके अंदर और इसको भी भूनेंगे ताकि कीमे की जो महक होती है वो ख़त्म हो जाए अच्छी सी। फिर इसके अंदर मैं डालूंगी नमक, क्योंकि मुझे लगता है कि नमक डालने से मेरा कीमा और अच्छा टेस्टी हो जाएगा, तो मैं नमक डाल के इसको थोड़ा भूनूंगी और फिर इसको स्टीम दे दूंगी। जी देखिए कीमा भुन चुका है, पानी खुश्क हो गया है, अब इसके अंदर मैं टमाटर शामिल करूंगी और इसको मजीद भूनना है थोड़ा सा। अब इसके अंदर मैं 3-4 हरी मिर्चें काट के डालूंगी, इसके अंदर मैं मसाले शामिल करूंगी, हल्दी, धनिया, मिर्चें, नमक तो हमने पहले ही इसमें ऐड कर दिया था, अब इसको मजीद भुनेंगे। इसके बाद मैं शामिल करूंगी जनाब दही, दही शामिल करने के बाद इसको मजीद थोड़ा सा भुनूंगी। और इसको थोड़ी देर के लिए स्टीम दे दूंगी ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए और टमाटर मेरे गल जाए अच्छे से। थोड़ा सा भूनने के बाद जी हरी प्याज के जो पत्ते होते हैं वो मैंने फेंके नहीं, वेस्ट नहीं करे हैं, मैंने इसमें डाल दिए हैं, इसका भी जायका और लुक बहुत अच्छा आता है, वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। अब इसको भूनेंगे थोड़ा सा, इसके अंदर फिर हरा धनिया शामिल करूंगी। देखिए जनाब जबरदस्त से मजेदार बन गया है मेरा कीमा भरे करेले, लेकिन अभी तैयारी पे नहीं है, 1 से 2 टेबल स्पून पिसा हुआ खोपरा शामिल करेंगे और इसको थोड़ा सा और भूनेंगे। जी जनाब देखिए तैयार है ये हमारा। अब मैं आपको बताती हूँ कि करेले में कीमा कैसे भरेंगे। थोड़ा सा कीमा निकालूंगी मैं, तकरीबन 1 प्याली जो हम अपने करेले के अंदर फिल करेंगे। जी ये देखिए अब मैंने करेला उठाया, अब इसके अंदर मैं 2 टेबल स्पून के तकरीबन इसमें कीमा डालूंगी। आप देख लीजिए जितना आपके 1 टेबल स्पून आ रहा है, ये 2 टेबल स्पून आ रहा है, मैंने इसके अंदर 2 टेबल स्पून डाला है। बहुत अच्छा से इसको फिल करूंगी और धागे से बांधूंगी, धागे से इसको अच्छी तरह लपेट देंगे। अब एक एक करके सारे करेलों को इसको हम पैक कर देंगे धागे से। अपने प्यारे से करेले ये देखिए मेरे बन गए हैं। अब फ्राई पैन में 1 प्याली तेल डालेंगे,
उसके अंदर हम एक एक करके करेले शामिल करेंगे जो हमने कीमा भर के धागा लगा के इसको पैक किया था। आराम से डालेंगे क्योंकि छींटे मारेंगे फौरन। और इसको फिर हमने गोल्डन ब्राउन करना है। वक्फे वक्फे से इसको देखते रहिएगा, पलटते रहिएगा, पहले एक साइड सीख जाएगी फिर दूसरी साइड सीखेगी। फिर गोल्डन हो जाए तो फिर हम इसे निकाल लेंगे। किया कीमे के अंदर हम एक ही करके करेले शामिल करेंगे। और इसके ऊपर हरे धनिया की गार्निश करके थोड़ी देर के लिए मैं इसको स्टीम दे दूंगी। फिर मैं आपको फाइनल लुक इसका डिश आउट करके दिखाती हूँ। और ये बहुत मजे के बनते हैं, आप ट्राई जरूर कीजिएगा, बहुत टेस्टी बनते हैं। बच्चे भी इसको बहुत शौक से खाएंगे क्योंकि कड़वे बिल्कुल नहीं होंगे। आप ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। ओके, टाटा बाय बाय।